नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का डेली स्टडी एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। आप इस नाम से यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए @dailystudyforyou जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो ये कलरफुल लाइन है यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:8, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे टोटल अनुपात हम लोग जोड़ लेंगे, 8 4 12 3 15, और त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180। तो देखिए 15:180 है, तो 1:1 का मान 12 हो गया, 1 अनुपात का मान तो 3 है और 4 है, और फिर उसके बाद 8 अनुपात में है। तो पहला हो जाएगा 12 36 डिग्री का कोण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 48 डिग्री का कोण, और तीसरा हो जाएगा 96 डिग्री का कोण। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बोल रहा है यदि एक वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। वृत्त के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, बस कुछ नहीं करना है। तीन सौ साठ बटे आठ, ये आपका आ जाएगा एक कोण का मान 45 डिग्री है, जो कि 8 बराबर भागों में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा। सिंपल, ये सब कोई बना लेगा। देखिए पहला कोण कितना है 70 डिग्री और दूसरा कोण है 40 डिग्री, तो यहाँ पे त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो टोटल यहाँ पे 110 डिग्री हो गया। तो 180 माइनस 110, तीसरा कोण का मान हो जाएगा 70 डिग्री, यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग ये जब पूछें तो ये होगा 360 डिग्री, दुगना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है एक समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग 72 डिग्री है, तो समबहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करें। देखिए बाह्य कोण पहले हम निकाल लेंगे ना, बाह्य कोणों का योग 72 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना है इतने भाग में, तो 360 होता है ना टोटल, तो देखिए 360 बटे 72 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 टोटल कोण है। ठीक है, अब इसका जो बाह्य कोणों का योग 72 था, तो अंतः कोण कितना है, 72 में से 180 घटाएंगे तो कितना होगा 108, उसको हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा 540, ये आपका आ गया अंतः कोणों का योग। ठीक है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है, रूट सही से नहीं लिखा है,
टाइपिंग नहीं हो पाया था, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के रूट 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 24 रूट 3 दिया है। ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, यहाँ से 24 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 96 आ गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज करते हैं। तो हमको क्या मिला था, ए स्क्वायर इक्वल टू 96, इसको तोड़ेंगे रूट में तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4×16 = 96, 4√6 होगा। ये आपके एक भुजा का मान आया है। अब इसको हमको परिमाप निकालना है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a। चलिए आगे इसको इरेज करते हैं, तो 3×4√6 यही आपका आंसर होगा, यानी 12√6 यही आपका परिमाप होगा। चलिए दोस्तों, ये आपको इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।